Dear students, Assalamualaikum. Today's topic is User Interface Design. In previous lecture, we discussed the basic concepts of User Interface Design. We just summarized it. We started with the importance of User Interface Design and so we talked about different applications or almost every application needs uh, uh, somehow user interaction. और इसको हमने एग्जांपल्स के साथ देखा कि आप गेम्स खेलते हैं तब तो भी यूज़र की इंटरेक्शन है आप उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशन नीड्स यूज़र इंटरेक्शन यूज़र कम्युनिकेशन विद द सिस्टम तो ऑबियसली जब हर एप्लीकेशन जो है वो यूज़र उसके अंदर इन्वॉलमेंट है तो हमें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना होगा और फिर हमने कहा कि कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर बेसिक तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट वन इज़ यूज यूजफुल और यूजफुल को हमने डिस्क्राइब किया कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है दैट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड वो उस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए जैसे स्पोर्ट के टेक्स्ट एडिटर है तो टेक्स्ट एडिटर की बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकें तो ये फंक्शनैलिटी उसके अंदर होना ज़रूरी है सिमिलरली यूजेबल और यूजल मीन्स के यूजर कैन ईजली यूज़ दैट एप्लीकेशन यूज़र को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यूजर जो है विद लिटल एफर्ट और नो एफर्ट कैन परफॉर्म इज इंटेंडेंट टास्क इंटेंडेंट टास्क जो है वो ईजली कर सके और फिर इसी तरह से हमने कहा कि यूज जो है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जब यूजफुल होगी प्रोडक्ट और यूजल होगी तो अल्टीमेटली वो यूज़ की जाएगी बाय द पीपल बाय द यूजर एंड दैट इज़ कॉल्ड यूज तो अगर ये तीनों करेक्टरिस्टिक होंगी तो वी में से कि ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है और अगर ये क्रैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो यूजर मोस्ट प्रोबेबली उस सिस्टम को छोड़ देंगे उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे थ्री गोल्डन रूल्स की बात की हमने कहा कि डिज़ाइन जब आप uh, करते हैं इंटरफेस को तो डिफरेंट हमारे uh, पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं लेकिन उसके अंदर एक uh, जो गाइडलाइन है उसको हमने डिस्कस किया और दैट इज़ क्वाइट सिंपल और ब्रीफ एंड कंप्रीहेंसिव और उसके अंदर पहला जो पॉइंट uh, था जो पहला रूल था दैट वॉज प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल के जो यूज़र है उसको ड्राइविंग सीट के ऊपर होना चाहिए राधा दैन के सिस्टम कंट्रोल करे या सिस्टम ड्राइव करे यूज़र को यूज़र के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं सिस्टम की या प्रोडक्ट की उसको अंडरस्टैंड करे उसमें स्विच कर सके उसको नेविगेट कर सके तो ये फ्लैक्सिबिलिटी जो है सारी यूज़र एंड पे होनी चाहिए और फिर हमने दूसरा रूल जो है वो डिस्कस किया और इसमें हमने डिस्कशन की कि वी हैव टू रिड्यूस यूजर्स मेमोरी लोड और मेमोरी लोड डिफरेंट तरह से जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है जैसे कि आप यूज़र को फैसिलिटेट करें उसको बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रादर देन कि यूज़र सर्च करे और uh, सोचे इस बात कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यूज़र को आप बताएं और इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे आप किसी स्पेसिफिक ड्राइवर को जैसे प्रिंटर का ड्राइवर है आप उसको सर्च करते हैं तो अगर आप उसकी साइट स्पेसिफिक साइट के ऊपर चले गए तो अब आपका जो सिस्टम है जो साइट है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली आप उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको विजिबल होना चाहिए नजर आना चाहिए इट मीन्स कि आप यूजर को असिस्ट कर रहे हैं रादर देन कि आप उसको जो है फोर्स करें कि वो ढूंढे के कहाँ से डाउनलोड होनी है आप उसको फैसिलिटेट करें और भी इसी तरह से हमने बात की कि कम से कम जो है वो रिकॉल होना चाहिए जो सिस्टम्स के जो डिफरेंट ऑप्शन हैं वो ऑप्शन जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए जो uh, एक ऑफ uh, एप्लीकेशन है उसके अंदर जिस तरह से एक एक्शन परफॉर्म होता है और क्या उसका आउटपुट uh, होता है तो उसी तरह के एक्शन का सेम ही आउटपुट दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी होना चाहिए और फिर तीसरा जो रूल हमने डिस्कस किया वो था कि जो भी इंटरफेस हम डिज़ाइन करें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है और ये हमें लीड करती है टूवर्ड्स गुड क्वालिटी कि जो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा उसके अंदर जो लर्नेबिलिटी होगी वो ज़्यादा ईजी होगी उस उसके अंदर टाइम जो चाहिए होगा लर्नेबिलिटी के लिए वो कम चाहिए होगा और इसकी एग्जाम्पल भी ऐसा ही है कि जैसे ओके का बटन जो है उसकी लोकेशन इफ इट इज ऑन द राइट बॉटम तो एवरी टाइम इट मस्ट बी देयर ये नहीं होना चाहिए कि कुछ स्क्रीन्स uh, के ऊपर आपका ओके का बटन जो है वो राइट right बॉटम के ऊपर है नहीं वो हमेशा लेफ्ट बॉटम पे होना चाहिए अगर आप लेफ्ट बॉटम को फॉलो कर रहे हैं अगर आप राइट right बॉटम पे हैं तो एवरी टाइम इट मस्ट बी देयर तो इस इस तरह के जो कंसिस्टेंट बिहेवियर है वो यूज़र को फैसिलिटेट करता है उसके बाद हमने एनालिसिस और और डिज़ाइन प्रोसेस की बात की और उसके अंदर हमने फोर डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ uh, को डिस्कस किया फर्स्ट वन वाज इंटरफेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग और इसके अंदर हमने बात की यूजर की यूजर की टाइप्स की बात की कि हम यूज़र को एक ही जैसा कंसीडर नहीं करेंगे डेफिनेटली डिफरेंट यूजर्स हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और इसको नॉर्मली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है नॉविस यूजर एंड एक्सपर्ट यूज़र नॉविस यूज़र जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम के हवाले से वो मिनिमम होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है तो उसको जो इंटरफेस प्रोवाइड करना है वो ज़्यादा डिटेल्ड गाइडेंस उसको चाहिए होगी जबकि जो एक्सपर्ट यूजर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के हवाले से ज़्यादा अच्छी होती है एंड दे नीड शॉर्टकट्स तो उनको जो है हमें उनकी तरह की प्रेफरेंसेस देनी होगी तो इट मींस कि आपका जो इंटरफेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो इजी टू चेंज होना चाहिए यूजर की प्रेफरेंसेस को ईजली अडोप्ट कर सकें और फिर उसके साथ हमने ये भी कहा था कि उसके अंदर रीसेट का ऑप्शन भी होना चाहिए अगर सम डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर वापस जाना चाह रहे हैं तो वो हम इजली उसके ऊपर मूव कर सकें फिर हमने इंटरफेस डिजाइन की बात की और इंटरफेस डिजाइन के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस एप्लीकेशन के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हमें लेके डिजाइन करना चाहिए क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होंगे कि स्क्रीन की प्रेजेंटेशन स्क्रीन के ऊपर जो सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और अगर कोई और बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो वो डिफरेंट होंगे और इसके अंदर भी हमने बात की थी कि हमें आ, जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं और जो रियल लाइफ के जो जिस तरह के इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन जो है वो हमें सपोर्ट करनी चाहिए डिज़ाइन करनी चाहिए फिर हमने इंटरफेस कंस्ट्रक्शन की बात की एंड इट वाज़ अबाउट द कोडिंग और इट वाज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर के बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस एंड डिज़ाइन वी कंस्ट्रक्ट वी कोड द एप्लीकेशन और फिर वो जो भी प्रोटोटाइप बनती है क्योंकि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं फॉर प्रोटोटाइपिंग और उस प्रोटोटाइप को हम वैलिडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर्स यूज़र की इनपुट लेते हैं और फिर उसके अंदर फ्री और फर्दर चेंजेस करते हैं तो ये सारा प्रोसेस ये आइट्रेटिव प्रोसेस है मल्टीपल आइट्रेशंस में होता है और विद ईच आइट्रेशन वी अचीव द रिफाइनमेंट आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो कि इसी से रिलेटेड है यूजर इंटरफेस डिजाइन से रिलेटेड है इनको हम और ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंटरफेस एनालिसिस की बात करते हैं हम और इंटरफेस एनालिसिस के अंदर हम ये कहते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द डिजाइन जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था वी हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टास्क तो टास्क जो है उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं जिसके लिए आप वो सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हु विल बी द यूजर ऑफ दैट सिस्टम यूजर्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है एंड यूजर्स जो एक्चुअल जो यूजर्स होंगे जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और वी मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क दैट आर क्वाइट नसेसरी फॉर एंड यूजर्स कि जिसके बगैर उनका टास्क उनका जो ओवरऑल जो आ, जो भी जॉब है वो कम्प्लीट नहीं होगी तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इसी तरह से जो है जो भी कॉन्टेंट हैं जो जिसको हमने प्रजेंट करना है थ्रू आवर सिस्टम थ्रू आवर इंटरफेस वो क्या होंगे उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमने वो सिस्टम को डिप्लॉय करना है जिसके अंदर वो रियल यूजर्स जो है इंटरेक्ट करेंगे हमें उस रियल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा और वो रियल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है और इसकी एग्जाम्पल भी हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि जैसे एक लैब के इन्वायरमेंट है वो क्वाइट डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू किसी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट के तो हमें इन सारी चीज़ों को इंटरफेस एनालिसिस में देखना होता है अब हम बात करते हैं यूज़र एनालिसिस की और यूज़र एनालिसिस के अंदर आ, क्यों हम टाइम या एक्टिविटी या एफर्ट्स जो है वो करते हैं आ, वो यूज़र इंटरफेस की जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो ये इसको जस्टिफाई करती है कि हमारा फोकस जो है यूज़र के ऊपर होना चाहिए क्योंकि हम यूज़र इंटरफेस बनाने जा रहे हैं तो जब यूज़र इंटरेक्ट करना है तो यूज़र डिज़र्व टू हैव टाइम टू कम्युनिकेट उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें देखना होगा और अगेन कि डिफरेंट जो है मेंटल मॉडल्स होते हैं और डिफरेंट मेंटल इमेजेस होते हैं यूजर्स के और उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और ये भी लास्ट टाइम हमने कहा था और इसको देखा था कि जो डिज़ाइन मॉडल है वो रिलेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के साथ रिलेट करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तो सॉफ़्टवेयर इंजीनियर की जो परसेप्शन है वो क्वाइट पॉसिबल कि वो डिफरेंट हो उस परसेप्शन से जो कि एक यूज़र की है और डिफरेंट यूजर्स होंगे तो डिफरेंट उनकी अपनी प्रसप्शनस होंगी डिफरेंट उनके मेंटल मॉडल्स होंगे तो उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अब उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मैकेनिज़्म हो सकता है वट आर द वेज टू डू इट द फर्स्ट वन इज़ के हम यूजर्स इंटरव्यूज करें यूजर इंटरव्यूज के थ्रू जो है उनकी फीडबैक लें उनकी इनपुट लें और उसको अंडरस्टैंड करें कि यूज़र क्या चाहते हैं और और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं अगर इंटरव्यूज पॉसिबल नहीं है तो मे बी के थ्रू क्वेस्र हम उनसे जो है उनकी ओपिनियन जो है वो लें और उसको अंडरस्टैंड करें इसी तरह से सेल्स इनपुट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के लोग हैं जो कि यूजर्स के, के साथ इंटरक्ट करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं यूज़र को ज़्यादा बेहतर तरीके से एज़ कम्पेयर टू के वो लोग जो अपने ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं जिनकी इंटरेक्शन नहीं होती यूजर्स के साथ तो सेल्स के जो लोग हैं सेल्स डिपार्टमेंट के लोग जिनकी इंटरेक्शन एंड यूजर्स के साथ होती है वो भी हमें एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं अबाउट द प्रेफरेंसेज ऑफ़ यूजर्स के यूजर्स को क्या चाहिए इसी तरह से मार्केटिंग इनपुट की बात करते हैं मार्केटिंग के जो हमारा डिपार्टमेंट होगा जो मार्केटिंग के लोग होंगे वो भी यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको भी पता होता है कि हमारी मार्केट जो है वो किस तरह की है किस तरह के लोग हैं किस तरह के यूज़र्स हैं और किस तरह की उनकी प्रेफरेंसेस हैं तो उनकी जो फीडबैक uh, होगी वो भी हमें हेल्प आउट करेगी टू अंडरस्टैंड द यूज़र एंड द यूज़र प्रेफरेंसेज और इसी तरह से स्पोर्ट के जो स्टाफ होता है डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ, जो स्पोर्ट स्टाफ होता है जो कि डिफरेंट यूजर्स की साइट्स के ऊपर जाके उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा होता है उनकी इंटरेक्शन भी यूजर्स के साथ होती है और वो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं तो जब हम यूज़र्स से इट जो है इंटरव्यू करेंगे यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे और फिर डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें यूज़र की प्रेफरेंसेस के बारे में बताएंगे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली जो यूज़र की पिक्चर हमारे सामने आएगी वो ज़्यादा बेहतर होगी अब इन दो स्लाइड्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए हैं और इन क्वेश्चंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें और इसको प्रॉपरली आंसर करें ड्यूरिंग द यूजर एनालिसिस तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यूजर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यूजर्स ट्रेन प्रोफेशनल्स टेक्नीशियंस क्लैरिकल आर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे यूजर कौन है वो किस टाइप का यूजर है वो कोई प्रोफेशनल है कोई इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला है कोई क्लैरिकल स्टाफ है तो डिफरेंट यूजर्स की अपनी एक मेंटेलिटी होगी उनकी अपनी एक पर्सनालिटी होगी तो हमें सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा टारगेट यूजर कौन है सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन द एवरेज़ यूजर हैव? तो हमें इसको भी अंडरस्टैंड करना होगा कि जो उनका बेसिक एजुकेशन का लेवल क्या है या उसका एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन के साथ हो कुछ बिल्कुल ना हो लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ यूजर्स हैं उनकी एजुकेशन को देखना होगा कि ज्यादातर यूजर्स जो हैं उनकी एजुकेशन लेवल क्या है और फिर हमें उसी के मुताबिक अपने इंटरफेस को डिजाइन करना होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आर द यूजर्स कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम रिटर्न मटेरियल्स आर हैव दे एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग और ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हमें एक फॉर्मल एजुकेशन के लेवल पता चल जाएगा तो हमें इसको भी जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यूजर बाय हिम सेल्फ और हर सेल्फ रीड कर सकता है जो हेल्प मटेरियल है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड करते हुए क्या ख़ुद से सिस्टम को यूज़ कर सकता है या फिर उसको किसी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है रादर देन के रीडिंग द हेल्प मटेरियल और मैनुअल्स अगर वो रिटर्न मटेरियल जो है मैनुअल जो है वो नहीं पढ़ सकता तो फिर हम उसको ऑन हैंड ट्रेनिंग कराते हैं और उस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू वो इसकेपेबल होगा कि वो सिस्टम को यूज कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आर यूजर्स एक्सपर्ट टाइपिस्ट आर की बोर्ड फॉबिक ये भी अगेन यूज़र प्रेफरेंसेस की बात है यूज़र हो सकता है कि कीबोर्ड जो है उसको लाइक करता हो जैसे एक्सपर्ट यूज़र नॉर्मली जो है वो शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं और माउस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट ऑफिस के अंदर जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली कीबोर्ड को ज्यादा यूज़ करते हैं और स्पेशली जो नुमेरिक पैड होता है उसको ज्यादा यूज़ करते हैं लेकिन हो सकता है कि किसी और स्पेसिफिक डोमेन के अंदर लोग जो है कीबोर्ड को इतना लाइक नहीं करते हों और वो माउस को यूज़ करना प्रेफर करें तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि यूजर की इस जो इनपुट के हवाले से इनपुट मेकनिज्म जो है और इनपुट जो डिफरेंट डिवाइस हैं उसके हवाले से उसकी क्या प्रेफरेंसेज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वट इज़ द एज रेंज ऑफ द यूजर कम्यूनिटी और अपरेंटली इस क्वेश्चन से ये लगता है कि एज की क्या ज़रूरत है लेकिन एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट वी हैव टू कंसीडर और एज का जो ग्रुप है यूज़र का उस यूज़र कम्युनिटी का उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जब अगर इफ़ यू आर प्लानिंग आर डिज़ाइनिंग ए सॉफ्टवेयर फॉर किड्स तो किड्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह की होगी एक नॉर्मल एडल्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट तरह की होंगी या उसकी पर्सनालिटी और उसकी जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट तरह के होंगे और एक ओल्ड सिटीजन अगर है तो उसकी डिफरेंट तरह के होंगे तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि वो कौन सा एज ग्रुप है जो कि इस सिस्टम को यूज करेगा अगला क्वेश्चन देखें विल द यूजर्स बी रिप्रेजेंटेड प्रीडोमेंटली बाई वन जेंडर और फिर अब जैसे एज इंपॉर्टेंस रखती है इस सारे सीनारियों के अंदर कि यूजर की एज ग्रुप को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और एज ग्रुप की बेस के ऊपर उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो इसी तरह से जेंडर बाइसनेस भी हो सकती है यूजर कम्युनिटी के अंदर हो सकता है कि वो मिल डोमिनट कम्युनिटी हो या हो सकता है कि वो फीमेल डोमिनंट कम्युनिटी हो तो मेल और फीमेल यूजर्स की जो है उनके भी कुछ अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे तो हमें उसको सामने रखते हुए यूजर के लिए डिजाइन करना होगा अब अगला क्वेश्चन देखें डू यूजर वर्क नॉर्मल ऑफिस आर्स आर डू दे वर्क अंटिल द जॉब इज डन तो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो जिस इन्वायरमेंट के लिए आप जिन यूजर्स के लिए आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं क्या वो Uh, एक स्पेसिफिक रूटीन के मुताबिक uh, उस सेटअप के अंदर रहते हैं कि अच्छा जी नाइन टू फाइव ही उन्होंने वहाँ पे रहना है और इस सिस्टम को यूज़ करना है या उनकी जॉब की नेचर जो है वो डिफरेंट तरह की है कि जैसे ही वो अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं कंप्लीट करते हैं एंड दे आर फ्री टू लीव तो इसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इज द सॉफ्टवेयर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क यूजर्स डू आर विल इट बी यूज ओनली ओकेजनली कि क्या जो सॉफ्टवेयर आप डिवेलप करने जा रहे हैं वो इंटेग्रल पार्ट है उसने डेली बेसिस के ऊपर फ्रीक्वेंटली आपने उसको यूज़ करना है आपके यूजर्स ने या वो ओकेजनली इसको यूज करेंगे ऑन एंड ऑफ इसको यूज़ करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज होना है तो डेफिनेटली यूजर की इंटरेक्शन जो है उसके साथ ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए उनको जो है मेमोरी लोड उस पर कम से कम होना चाहिए उसके अंदर एफर्ट कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उस यूजर के कि जिसको यूजर ने कभी कभार यूज करना है तो अगर वहां पे यूजर थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगा लेगा तो वो शायद इतना मैटर नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वट इज द प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज अमंग यूजर्स और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिन यूजर्स को आप टारगेट कर रहे हैं जिनके लिए सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है जिनके लिए वो इंटरफेस बनाया जा रहा है वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं तो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होते हैं और ये सबसे आइडियल स्नैरियो है कि आप जिस लैंग्वेज में यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं वही लैंग्वेज आपके सॉफ्टवेयर की भी होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाए जो कि ज्यादा या मेजॉरिटी ऑफ द यूजर कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आर यूजर्स एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट मैटर दैट इज एड्रेस्ड बाय द सिस्टम कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं डिजाइन करने जा रहे हैं जो इंटरफेस क्या यूजर उसके एक्सपर्ट हैं या नहीं जिसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे सपोज आप जो है कंप्यूटर जो है सिमुलेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं नेटवर्किंग के सब्जेक्ट को आप समझते हैं तो आप जब नेटवर्क का जो नेटवर्किंग के लिए जो सिमुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी डोमेन के अंदर जो उसकी कन्वेंशन जो टर्म्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन अगर आप बींग नेटवर्क प्रोफेशनल एक और जो है सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग के जो है साइट पे जाते हैं सोशल नेटवर्किंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल के वहां पे जो इंटरफेस है और जो उसकी लैंग्वेज uh, है वो आपको इतनी समझ ना आए तो ये डिपेंड करता है कि यूजर जो है वो उस जो सिस्टम को यूज करने जा रहा है क्या वो उसके सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डो यूजर्स वांट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट सिट्स बिहाइंड द इंटरफेस और ये अगें जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन जो है उसको हाइड करना चाहिए टेक्निकल डिटेल्स को और यूजर को सिंपलर इंटरफेस होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्रो एप्लीकेशन आप उससे रिक, उससे रिक्वायर करें कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो है डिफरेंट कमांड्स को भी जो है उस वहाँ से एग्जीक्यूट करें लेकिन आ, आपको अंडरस्टैंड करना है क्या यूजर इस तरह का है क्या वो डोमेन इस तरह की है इस नेचर की है कि जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्टेड है या उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है उसको वो जानना चाह रहा है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के यूजर्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं वी डिस्कस टास्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग और ये एक्टिविटी भी जो है एनालिसिस और मॉडलिंग की इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि जब ये एक्टिविटी परफॉर्म हो तो ये क्वेश्चंस जो है इनको आंसर करना चाहिए और इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और डेफिनेटली ये हमें हेल्प आउट करेंगे ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव टास्क एनालिस और मॉडलिंग में तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वट वर्क विल द यूजर परफॉर्म इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के बाद टास्क की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि वो यूज़र्स जो हैं वो किस तरह से टास्क को परफॉर्म करते हैं और फिर टास्क के डिफरेंट अपने आ, पॉसिबल अल्टरनेट्स हो सकते हैं एक नॉर्मल सिनेरियो हो सकता है टास्क को करने का और इन केस के किसी और एक्सटर्नल इवेंट की वजह से उस टास्क को किसी दूसरी तरह से किया जाए तो वो जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है पहले तो ये कि वो जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर यूजर ने टास्क को परफॉर्म करना है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और फिर उसके साथ साथ तो उसके अल्टरनेट्स को देखना भी जरूरी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वट टास्क एंड सब टास्क विल बी परफॉर्म एज द यूजर डज द वर्क कि पहले आपने उसको अंडरस्टैंड किया कि वो क्या इन्वायरमेंट है जिसके अंदर टास्क परफॉर्म हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपने टास्क के अंदर क्या कुछ सब टास्क हो सकते हैं आपने उसको भी अंडरस्टैंड करना है इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देख सकता हूं कि लेट्स uh, से कि आप डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को एडिट करना एक बेसिक टास्क है किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लेकिन अब उसके अंदर भी मल्टीपल जो है सब टास्क हो सकते हैं कि आप एडिटिंग में क्या करना चाह रहे हैं क्या किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं उसको कट करना चाह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं क्या वो एक सेंटेंस है क्या वो एक वर्ड है क्या वो एक लेटर है और भी इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि एडिटिंग से रिलेटेड है तो आपको इन सारे टास्क और सब टास्क को अंडरस्टैंड करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वट स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन ऑब्जेक्ट्स विल द यूजर मैनुपलेट एज वर्क इज परफॉर्म्ड अब रियल सिनेरियो के अंदर आपने देखना है कि क्या कुछ वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके साथ आपका यूजर डील करता है इंटरक्ट करता है एंड इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो रियल ऑब्जेक्ट्स यू मे मैप दो रियल ऑब्जेक्ट्स इन वर्चुअल वर्ल्ड कि वो जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं जो इंटरफेस उसको आप जो है उसी तरह से देखेंगे जैसे अगर सपोज एक यूजर है जो कि किसी बैंकिंग सेक्टर की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी बैंक के अंदर जाता है और वहाँ पे वो अपना एक चेक जो है वो फिल इन करता है उसके उसके अंदर बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखता है अगर अब आप ऑनलाइन जो है एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन यूज़र जो है उसको उस तरह से चेक नहीं लिखना होगा मे बी कि आप कम्बो बॉक्स उसको देंगे और उसके अंदर से वो अपना आप पहले अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर ले अगर उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं और फिर जिस किसी बैंक में ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट कर ले फिर उसके अंदर किसी यूजर का अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर ले तो जो रियल लाइफ का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज चेक बुक और चेक वो ऑनलाइन भी या सिस्टम के ऊपर भी वर्चुअल वर्ल्ड में भी उसी तरह से होगा लेकिन सारी इंटरेक्शन जरूरी नहीं है एक जो वे टू परफॉर्म द टास्क नॉट सिमिलर रियल लाइफ लेकिन अगेन जो हैं जो जो रियल लाइफ की मेटाफो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगी तो वो ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट इज सीक्वेंस ऑफ वर्क टास्क दर्क फ्लो एक है कि एक इंडिविजुअल टास्क एक ये है कि पूरा वर्क फ्लो क्या है अब अगेन अगर बैंक की एग्जाम्पल ही को लिया जाए तो बैंक के अंदर जो है वो हो सकता है कि आपका जो चेक है वो आप डिपॉजिट करते हैं एक काउंटर के ऊपर एक सबमिट करते हैं उसको तो वहाँ से पहले उसको कैशियर जो है वेरीफाई करे कि क्या इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में है भी या नहीं और फिर उसके बाद मैनेजर को फॉरवर्ड करें और मैनेजर फिर उसको वेरीफाई करे आपके चेक को और फिर वो दोबारा कैशियर के पास वापस आए और कैशियर आपको जो है वो अमाउंट वापस करे तो ये आ ये जो है एक पूरा वर्क फ्लो है तो अब इसके अंदर डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व हैं आपका जो सबमिशन है फिर कैशियर का जो अकाउंट चेक करना है फिर मैनेजर का वेरीफाई करना है फिर कैशियर का आपको पे करना है तो अगर आप बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस इंटरफेस के लिए आपको ज़रूरी है कि सारे वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड करें अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं वट इज़ द दरार्की ऑफ टास्क और इसके अंदर क्या है कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वर्क फ्लो के साथ साथ कि क्या मेन टास्क है फिर उसके अंदर क्या सब टास्क है कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा टास्क बाद में होगा तो सारा वर्क फ्लो और उसके साथ उसका सीक्वेंस तो ये चीज़ें जो है ये सारी इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टास्क एनालिसिस और मॉडलिंग के अंदर जो है हमारे पास कुछ टूल्स uh, हैं या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमें uh, ज़्यादा हेल्प मिल सकती है ज़्यादा अच्छा हमारा एनालिसिस और मॉडलिंग हो सकती है उसके अंदर uh, जो पहला है वो है यूज़ केसेस और आपने इसको डिटेल में देखा हुआ है पिछले अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में और डेफ़िनेटली आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा तो हमें यूज़ केसेस अगर हम अपने सिस्टम के लिए डिफाइन करें अगर हम उसको राइट डाउन करें तो वो भी हमें हेल्प आउट करते हैं कि डिफरेंट एक्टर्स जो कि एक्चुअल यूजर्स होते हैं उनकी किस तरह से इंटरेक्शन होगी सिस्टम के साथ वो किस तरह से अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें यूज केसेस हेल्प आउट करते हैं टास्क एनालिसिस के अंदर इसी तरह से टास्क कलेबोरेशन टास्क कलेबोरेशन जो है इससे क्या मीनिंग है कि वर्क फ्लो की हमने बात की और वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक ये हो सकती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस सेटअप के लिए आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं वहां पर पहले वो जो सारा प्रोसेस है वो मैनुअल है या सेमी मैनुअल है तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि जब उस मैनुअल प्रोसेस को आप ऑटोमेट करेंगे तो कैसे होगा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एग्जिस्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है और उसको नए सिस्टम के साथ रिप्लेस करना है तो आपको ये देखना होगा कि यूजर्स जो हैं वो अभी कैसे एक्शंस जो हैं वो डिफरेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ परफॉर्म करते हैं कैसे अपने टास्क जो है वो कम्प्लीट करते हैं और आपने क्या मॉडिफिकेशन करनी है नए सिस्टम के अंदर तो टास्क कलेबोरेट किए जाते हैं अगेन उसी तरह से कि आप टास्क हैं क्या मेन टास्क क्या है उसके अंदर सब टास्क क्या हैं क्या कुछ अल्टरनेट हो सकते हैं और क्या उनका एक्चुअल सीक्वेंस होगा ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और इसी तरह से ऑब्जेक्ट अलेबोरेशन होती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलेबोरेशन जो है अगेन के जो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना और फिर उनको मैप करने की कोशिश करना कि वो वर्चुअल जो आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो भी वैसी सी एनोलॉजी होनी चाहिए उसमें फिर वर्क फ्रो एनालिसिस होता है और वर्क फ्रो अनालिस जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं आप अभी हमने बात की कि बैंकिंग सिस्टम की हमने एग्जांपल ली लेकिन अगेन जब मल्टीपल यूजर्स होंगे जब मल्टीपल यूजर्स जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनका वर्क फ्लो कैसे होगा ये चीज़ें कैसे जो है सारी परफॉर्म होंगी इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और फिर इसी तरह से हेरार्कल प्रेजेंटेशन जो है वो इसको भी आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या टास्क पहले होगा फिर उसके अंदर क्या सब टास्क होगा क्या उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होंगे और वो कैसे आ, जैसे इफ देन सिनेरियोस भी हो सकते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा अगर ये कंडीशन अगर होगी तो फिर क्या होगा अब हम बात करते हैं डिस्प्ले कंटेंट्स की कि जो जो कंटेंट आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस करना है कि क्या कुछ हमने डिस्प्ले uh, कराना है और उसके लिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रिलेटेड टू द कंटेंट्स के क्या डिस्प्ले हमने उसको करना है क्या वो कोई स्प्रेडशीट है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में उसको कुछ दिखाना है क्या वो कोई रिपोर्ट है जिसको उसने प्रिंट करना है या क्या वो कोई ऑडियो फाइल है कोई उसको ऑडियो के थ्रू हमने कुछ कन्वे करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज डिफरेंट डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स या उसको टाइप्स कह सकते हैं डिस्प्ले के या फॉर्मेट्स कह सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है और नेक्स्ट फिर हमें ये करना है कि इसमें अब देखें क्वेश्चन हैं कुछ और इन क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें और इनको आंसर करें तो ये हमें हेल्प करेंगे इस एनालिसिस uh, के अंदर जो कि डिस्प्ले कॉन्टेंट के हवाले से है तो क्वेश्चन देखें आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा असाइन टू कंसिस्टेंट जियोग्राफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन जो भी डिफरेंट टाइप का जो डेटा है जो आपने डिस्प्ले करना है क्या वो कंसिस्टेंट लोकेशन के ऊपर ही डिस्प्ले होता है जैसे इसके मसाल ऐसे देता हूँ कि आपकी एप्प्लीशन के अंदर आप हेरकी को डिस्प्ले करते हैं और वो लेफ्ट साइड के ऊपर होती है अब वो जो हरारकी ऑफ़ आइटम्स है वो एवरी टाइम मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड अगर एक दफ़ा वो लेफ्ट साइड पे है और दूसरी दफ़ा वो राइट right साइड पे है तो ये कोई अच्छी आ, अच्छा साइन नहीं है आपके डिस्प्ले के लिए इसी तरह से सपोज आपको हमेशा मेन्यू जो है वो टॉप के ऊपर है तो मेन्यू टॉप के ऊपर ही है ऐसा ना हो कि कुछ और स्क्रीनस uh, के ऊपर कुछ और जो है आपके एप्लीकेशन के पार्ट्स जो डिस्प्ले जो स्क्रीनस हैं उसके अंदर वो टॉप की बजाय किसी और लोकेशन के ऊपर हो सकता है कि बॉटम के ऊपर हो इस तरह से भी तो हो सकता है ना तो ये चीज सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैन द यूजर कस्टमाइज़ द स्क्रीन लोकेशन फॉर कंटेंट स्क्रीन लोकेशन को किसी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता और ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है मिसाल के तौर पर आपका जो ओपन uh, का बटन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं ओपन करते हैं और uh, कोई भी फाइल ओपन करना चाह रहे हैं अब उस उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर वो जो ओपन का बटन है क्या वो फिक्स्ड है वो हर दफा उसी लोकेशन के ऊपर है या आपने यूजर को ये प्रिवलेज दी है कि वो जहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है उसको वहाँ पे मूव कर ले तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कुछ केसेस के अंदर शायद ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़रूरी हो और कुछ और केसेस के अंदर ये चीज़ शायद इतनी डिज़ायरेबल ना हो जैसे कि पहले हमने कंसिस्टेंसी की बात की है तो कंसिस्टेंट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा डिजायरेबल है रादर देन के यूजर जो है अपनी मर्जी से अगर हर कंट्रोल को या लोकेशन जो है डिफरेंट कंट्रोल्स की चेंज करना स्टार्ट करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें Is proper on-screen identification assigned to all content? What does it mean? कि जो hain आपके icons हैं, जो symbols hain जो आपने display किए हैं उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है या नहीं है एक तो ये कि थ्रू दैट इमेज थ्रू दैट आइकन जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो और दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे स्क्रीन टिप होती है कि आप कर्सर जो है वो मूव करते हैं जो माउस पॉइंटर जो है वो आप किसी स्पेसिफिक इमेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक आइकन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो स्क्रीन टिप के तौर पे आपको बताता है कि ये ये क्या आइटम है तो इसको भी हमें देखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इफ अ लार्ज रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड हाउ शुड इट बी पार्टीशन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तीस पेजेस की रिपोर्ट है जिसको आपने डिस्प्ले करना है अब उसका क्या मैकेनिज्म होगा क्या आप उसको स्क्रोल बार के साथ डिस्प्ले करेंगे जिसमें यूज़र अपनी मर्जी के साथ स्क्रोल करता चला जाएगा पूरी रिपोर्ट के अंदर या वो काइंड ऑफ स्लाइड शो होगा कि जिसके अंदर आप एक पेज को एक वक्त में देख सकेंगे या एक स्क्रीन को देख सकेंगे और फिर आपको नेक्स्ट पे जंप करना होगा तो ये 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 कंसड्रेशन भी आपने इसको देखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विल मैकेजम बी अवेलेबल फॉर मूविंग डायरेक्टली टू समरी इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज कलेक्शंस ऑफ डेटा कि आपके पास एक बड़ा डेटा है बड़ा डेटा सेट है अब उसकी किसी तरह से आपके पास ये समरी को देखने की ऑप्शन है या नहीं है और इसकी मिसाल कैसे हो सकती है कि डिफरेंट जैसे आप रिपोर्ट्स होती हैं जो इन जनरल रिपोर्ट्स होती हैं जो हार्ड फॉर्म में होती हैं अक्सर उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखें तो स्टार्ट में एक एग्जेक्टिव समरी होती है और उसके अंदर वो ब्रीफली uh, उस डॉक्यूमेंट को uh, मतलब बताया होता है तो इसी तरह से आपकी जो uh, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या इस तरह का को कोई फीचर प्रोवाइड करती है जैसे मैं आपको इसकी अब सिस्टम के वाले से एक एग्जांपल देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है अब उसके अंदर आपका एक डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ये फीचर अवेलेबल है कि आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और नंबर ऑफ इवन सेक्शंस जो है वो कितने हैं तो ये इस तरह की समरी इंफॉर्मेशन आप उसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विल ग्राफिकल आउटपुट बी स्केट विद इन द बाउंडिवाइस दैट इज यूज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने डिस्प्ले करनी है इन्फॉर्मेशन तो आपने वो जो फिजिकल जो स्क्रीन साइज है उसको भी देखना होगा एक ही सिस्टम की आउटपुट मल्टीपल डिवाइसिस के ऊपर हो सकती है तो जब आप अपने लैपटॉप के ऊपर स्पोज देख रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीन का साइज कुछ और है और अगर आपने मोबाइल के ऊपर वही स्क्रीन ओपन कर ली तो मोबाइल स्क्रीन का साइज बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप स्क्रीन तो क्या आपका जो डिस्प्ले है वो लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए जो है वो दोनों के लिए फिजिबल है सूटेबल है या आपने उसको कैसे मैनेज किया है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाउ विल कलर बी यूज़ टू इनहस अंडरस्टैंडिंग यूज़ ऑफ़ कलर जो है इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कलर के जो है वो डिफरेंट मीनिंग होते हैं मीनिंग या कन्वेंशनस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए उस स्पेसिफिक कल्चर को समझते हुए यूजर्स को समझते हुए जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो कलर्स की कन्वेंशन है वो डिफरेंट हो सकती है जैसे मैं आपको इसकी भी मिसाल देता हूँ कि रेड कलर जो है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट uh, में इन जनरल हम उसको अलार्मिंग uh, कंसीडर करते हैं जबकि चाइना uh, के अंदर रेड कलर जो है वो साइन है हैप्पीनेस का तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा और हमें इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारे यूजर्स के अंदर कलर ब्लाइंड भी हो सकते हैं जो कलर्स डिफरेंट कलर्स बेसिक कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट ना करते हों तो कलर की जो अप्रोप्रिएट यूज है वो इन्हांस करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकिन उसको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है इस प्रॉपर्टी को अगर हम केयरलेसली यूज करेंगे कलर्स को तो रादर देन कि हम अंडरस्टैंडिंग को इनहानस करें हम उसको कम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाउ विल एरर मैसेजेस एंड वार्निंग्स बी प्रेजेंटेड टू द यूजर अब कैसे जो है मैसेजेस को डिस्प्ले करना है उसका क्या फॉर्मेट होगा क्या उसके साथ कुछ ऑडियो फीडबैक भी होगी या कुछ ग्राफिकल जो है उसके साथ आप ऐड देंगे और मीनिंग किस तरह के मैसेज किस तरह के कन्वे करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है अब हम बात करते हैं वर्क इन्वायरमेंट एनालिसिस की और जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और इन्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है एक से दूसरी एप्लीकेशन के लिए तो उसमें अगर हम आइडियल इन्वायरमेंट की बात करें जिसको हम यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट कहें तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग होगी और उसके अंदर जो है जो जब आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं जो भी आपकी स्क्रीन है उसके अंदर जो डिस्प्ले हाइट है वो अप्रोप्रिएट होगी ईजी कीबोर्ड एक्सेस होगा तो इन सारी ये एक आइडियल इन्वायरमेंट की बातें हैं तो so आइडियल जो यूज़र इन्वायरमेंट है उससे हट के हमें देखना होगा कि एक्चुअल जिस इन्वायरमेंट के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या है और डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है इन्वायरमेंट्स अगेन कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर आप किसी फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर काम कर रहे हैं और सिस्टम को वहाँ पर अपने डिप्लाय करना है तो उसकी जो अब इन्वायरमेंट है वो टोटली totally डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉकपेट इन्वायरमेंट कि अगर आपका एयरप्लेन का कॉकपेट है जहाँ पे आपने पायलट uh, ने इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो हॉस्पिटल के एक अपना इन्वायरमेंट है उसके अपने कुछ फैक्टर्स हैं तो उसको हमने अंडरस्टैंड करना है और इसी तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डिफरेंट जो काम करने की जगह होती हैं उनके अपने कल्चर होते हैं और उस कल्चर को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है उसके उसके अंदर जो है हमें अंडरस्टैंड uh, करना होगा कि वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरी करती हैं जैसे कि मैं आपको इसकी अगेन एग्जांपल दूँ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट है तो यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट का अपना एक कल्चर होगा वहाँ पे काम करने का एक अपना स्टाइल होगा और उसके अंदर जब आप सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे तो उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी लेकिन अगर आप जो है स्कूल इन्वामेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी और स्कूल आजों के एक ही डोमेन है एजुकेशन की डोमेन है लेकिन स्कूल का अपना एक जो है कल्चर होगा स्कूल की एक अपना जो है वर्क प्लेस होगा उसके अपने जो है कंस्ट्रेंट्स और फैक्टर्स होंगे और उसको हमने देखना होगा उनकी उनकी प्रैक्टिसेस को देखना होगा अब हम बात करते हैं इंटरफेस डिज़ाइन के डिफरेंट स्टेप्स की जो पहला स्टेप है इंटरफेस को जब हम डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ यूजिंग इंफॉर्मेशन डिवेलप ड्यूरिंग इंटरफेस एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरफेस एनालिसिस वी हैव टू डिफाइन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस और फिर क्या करते हैं कि जो हमने इवेंट्स को डिफाइन किए हैं ठीक है दैट आर द यूजर एक्शंस और वो जो है हमें हेल्प आउट करते हैं सिस्टम uh, को सिस्टम को मॉडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर कि डिफरेंट यूजर्स एक्शंस जो हैं वो हमें बताते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से आपका जो इंटरफेस है वो चेंज होगा जो थर्ड जो स्टेप है दैट इज़ वी हैव टू डिपिक्ट ईच इंटरफेस स्टेट एज इट विल एक्चुअली लुक टू एंड यूजर और हमें उस हर स्टेट को देखना है कि वो कैसे यूज़र को हमने डिस्प्ले करनी है और फाइनल जो इसके अंदर स्टेप है जो फोर्थ स्टेप है दैट इज वी हैव टू इंडिकेट हाउ द यूजर इंटरप्रेट आर वी मे से डिजाइन शुड इंडिकेट हाउ द यूजर इंटरप्रेट्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरफेस तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जब हम इंटरफेस डिजाइन की बात करते हैं और अगेन इनपुट वही है जो प्रीवियस हमारे एनालिसिस होंगे यूजर एनालिसिस टास्क एनालिस डिजाइन के वाले से जो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट एनालिसिस है वो सारे हमें हेल्प आउट करते हैं टू डिजाइन द बेटर सिस्टम इंटरफेस अब इसके अंदर हम कुछ डिजाइन के इश्यूज हैं जो कि उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो डिजाइन इशू है दैट इज सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम कि जब भी आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स टाइम है इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा अगर सिस्टम देर से रिस्पॉन्स करेगा तो यूज़र ऑब्वियसली उसको लाइक like नहीं करेंगे तो जो प्राइमरी कंप्लेन जो मिलती है यूज़र से किसी भी सिस्टम के वाले से इन जनरल वो यही होती है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है और आज कल के सनैरीओ में जबकि हार्डवेयर जो है वो काफ़ी चीप है प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी फास्ट है तो यूज़र एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपका सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम आपकी एप्लीकेशन वो देर से रिस्पॉन्स दे और इसके अंदर अगेन जो कंसिड्रेशन है वो ये है कि कितनी देर के बाद करता है हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट फॉर द सिस्टम रिस्पॉन्स और फिर एक इन जनरल जो सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम होता है उसके अंदर कितनी वेरिएशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक फीचर को जो है वो इनेबल uh, करें या एक्सप्लोर करें या आप सिस्टम के साथ एक टाइम के ऊपर इंटरेक्ट करें तो मे बी के वो 1.3 पॉइंट सेकेंड जो है वो उस टाइम में रिस्पॉन्स दे और किसी और फीचर के साथ आप हो सकता है कि उसको पॉइंट सेकेंड के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करें तो वेरिएशन जो है अगर वो एक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के आसपास रहती हैं तो फिर तो यूज़र ज़्यादा फील नहीं करता लेकिन अगर ये वेरिएशन बढ़ जाएगी तो फिर डेफिनेटली यूजर जो है इसको फील करेगा और यूजर फ्रस्ट्रेट होगा और जो कि एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो व्हेन यू आर डिजाइनिंग फॉर द सिस्टम फॉर द इंटरफेस यू हैव टू कंसिडर द सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम के कम से कम होना चाहिए नेक्स्ट जो डिजाइन इशू है दैट इज यूजर हेल्प फैसिलिटीज यूजर को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प चाहिए होती है कहीं पे भी यूज़र जो है वो स्टक हो गया तो यूज़र एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो सिस्टम है वो उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा और अगेन हेल्प जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए जितने भी सपोर्टेड फंक्शंस हैं जो फंक्शनलिटीज़ हैं सिस्टम की उन सब से रिलेटेड हेल्प होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम ऐसा नहीं होगा किसी एक टाइम के ऊपर हो जैसे अगर ऑनलाइन हेल्प है तो अगर मेरा नेट डिसकनेक्टेड है तो ऑनलाइन हेल्प मुझे अवेलेबल नहीं होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर के साथ ऑफलाइन हेल्प अवेलेबल होती है हेल्प मेन्यू अवेलेबल होता है और फिर अगेन यूजर को सपोर्ट चाहिए होती है कि वो कैसे हेल्प की रिक्वेस्ट करेगा यूजर नीड सपोर्ट और आप अगेन के जैसे हेल्प मेन्यू दिया हुआ है तो उसको पता है कि वो हेल्प मेन्यू के थ्रू जो है आ, वो कर सकता है हेल्प ले सकता है या जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कुछ एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि एफ वन प्रेस करें तो आपको हेल्प मिल जाती है फंक्शन की के थ्रू तो डिफरेंट जो वेज हैं टू आस्क द हेल्प वो होने चाहिए और फिर उसके बाद हेल्प की जो प्रजेंटेशन uh, है वो क्या होगी किस फॉर्मेट में हेल्प अवेलेबल होगी स्क्रीन टिप जो है इट इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ हेल्प लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट uh, फॉर्म में है इसी तरह से अगर आपका कोई मैनुअल है हेल्प मैनुअल है तो वो क्या है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है और हो सकता है कि उसके अंदर एक हरारती बनी हो तो डिपेंड करता है कि आपके आपका यूज़र uh, जो है वो उसकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप उस उस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए हेल्प डॉक्यूमेंट या हेल्प ऑप्शन उसको अवेलेबल करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन जो है जिस क्वेश्चन uh, को आंसर करना चाहिए कि इफ यूजर इन यूजर इज इन हेल्प मोड हाउ टू रिटर्न फ्रॉम दैट मोड टू एक्चुअल आर नॉर्मल इंटरेक्शन तो अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन अगेन क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन को नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं अगर आपने हेल्प के लिए लहिहदा से विंडो जो है वो ओपन कर दी है तो आपने कैसे वापस अपने एक्चुअल एप्लीकेशन के ऊपर आना है क्या उस हेल्प विंडो को आपने क्लोज करना होगा या जस्ट उसको मिनिमाइज करेंगे और एक्चुअल एप्लीकेशन एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे तो इस चीज़ को भी आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को डिज़ाइन के टाइम के ऊपर कंसिडर करना है अनदर अदर इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि आपने हेल्प को किस तरह से स्ट्रक्चर किया है किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है तो जो आपकी हेल्प uh, डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए नॉर्मली आप जो जब आप हेल्प प्रोवाइड करते हैं तो वो हेरार्कल फॉर्म में होती है आप किसी बेसिक फीचर से रिलेटेड हेल्प को प्रोवाइड करते हैं और फिर यूजर अगर इंटरेस्टेड है तो वो फर्दर उसकी डिटेल को देख सकता है तो हेल्प जो है वो हमेशा इसी तरह से ही होनी चाहिए एक और इम्पॉर्टेंट जो डिज़ाइन इशू है वो ये है कि हाउ यू डील विद एरर्स? एरर इंफॉर्मेशन को आप कैसे हैंडल करते हैं और डेफिनेटली एरर्स जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज फॉर द यूजर और वो आपने उसको कन्वे करना है तो उसको कैसे कन्वे किया जाएगा अक्सर एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि जो मैसेजेस होते हैं दैट मैसेजेस आर क्वाइट टेक्निकल और तो वो टेक्निकल मैसेजेस जो है उसको आप इवन दो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन मैसेजेस को नहीं समझ सकते तो इट मीन्स कि वो यूजलेस और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है तो ऐसी इन्फॉमेसन का कोई फायदा नहीं है जिस जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकें तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि मैसेज मस्ट बी ंडरस्टैंडबल आप उसको आपका यूजर जो है जो एंड यूजर जो एक्चुअल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सके वो और फिर इसी तरह से आप उसको आ, एक कोई कंस्ट्रक्टिव एडवाइस प्रोवाइड करें थ्रू द मैसेज व्हाट डज इट मीन कि आप उसको बताएं कि अब कैसे हो सकता है कि आप उसको ये ऑप्शन दें कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है ये क्लोज होने जा रही है तो अगर आपने अपने जो भी वो टास्क परफॉर्म करें उसको सेव कर सकते हैं तो ये एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस है राधर देन कि आप उसको कहें कि आ, या कहे बगैर जो है मैसेज जस्ट डिस्प्ले करें और वो ओके okay करें और आप उसके काम को उसके टास्क को आप उसके आ, जो भी वर्क है जो उसने परफॉर्म किया है उसको सेव किए बगैर आप एप्लीकेशन को क्विट कर दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैसेज जो है अगर इवन अगर कंस्ट्रक्टिव एडवाइस नहीं हो सकती पॉसिबल नहीं है तो उसको नेगेटिव कंसिक्वेंसेज जो है वो इंडिकेट करने चाहिए कि भाई एप्लीकेशन जो है क्लोज होने जा रही है और अनफॉर्चुनेटली आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव नहीं हुआ सपोज कि आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं कोई भी कुछ भी सिनेरियो हो सकता है कुछ भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो सकती है और मैसेज को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप उसके साथ कोई विजुअल और, और जो ऑडियो जो है होने चाहिए कोई हिंट होना चाहिए कि जैसे एरर मैसेज के साथ अगर एरर का सिंबल जो है वो शो कर रहे हैं तो एक विजुअल क्यू है या इसके साथ एक एरर साउंड आप डिस्प्ले कर सॉरी uh, आप फीडबैक दे रहे हैं ऑडियो uh, आप उसको सुना रहे हैं तो ये भी एक हेल्पफुल एड है उसके लिए इसी तरह से मैसेज जो है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए वट डज इट मीन के सिस्टम शुड नॉट ब्लेम ऑन यूजर कि जी आपकी वजह से ये ऐसा हुआ है यूजर ही ने कोई एरर मोस्ट प्रबली किया होगा uh, कुछ मिस्टेक uh, की होगी लेकिन सिस्टम को जो है वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए सिस्टम जो है अनबाइस्ड मैसेज उसको कन्वे करना चाहिए जो नेक्स्ट की इशू है दैट इज मेन्यू एंड कमांड लेबलिंग आपने जो डिफरेंट मेन्यूज हैं उसको कैसे लेबल किया है कैसे उसके उसके क्या टैग्स या टाइटल्स हैं और कमांड्स अब तो कम होती हैं पहले जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना कॉमन नहीं था और हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेसेस होते थे तो वहाँ पे उनको मीनिंगफुल होना चाहिए कमांड्स भी जो हैं उनके जो टाइटल्स हैं जो लेबल्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए और इजी टू तो रिमेम्बर होने चाहिए लेकिन अभी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर भी जो पावर यूज़र्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं आपके उनको डिफरेंट कमांड्स जो है थ्रू कीबोर्ड्स जो वो आपके एप्लीकेशन के को मैनुपलेट कर सकें तो जो ये ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आंसर किया जाए तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से इस इश्यू को डील कर सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज विल एवरी मैन्यू ऑप्शन हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग कमांड क्या ऐसा पॉसिबल है या हो सकता है कि हर जो मेन्यू ऑप्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक आपने उसको कमांड दियो ज़रूरी नहीं है हो नहीं इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जी हर मेन्यू ऑप्शन के लिए होना चाहिए लेकिन बहरहाल इसको हमें देखना होगा सेकेंड क्वेश्चन इज वट फॉर विल कमांड्स टेक कि किस तरह से जो है आप उसको कमांड्स देंगे क्या आप कोई सिंगल की प्रेस करेंगे कोई कम्बिनेशन ऑफ की होगा कोई स्पेशल की होगी फंक्शन की होगी हाउ इट हाउ इट विल वर्क और फिर इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिफिकल्ट विल इट बी टू लर्न एंड रिम्बर द कमांड्स जो कि मैंने स्टार्ट में कहा इस स्लाइड के कि वो इजी टू रिम्बर होने चाहिए अगर वो मुश्किल होंगी तो उनको डेफिनेटली याद करना मुश्किल होगा और फिर ये फेसरिटेशन की बजाय बर्डन होगा तो जो भी आपकी कमांड्स uh, हैं वो इजी टू लर्न होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन कमांड्स बी कस्टमाइज आर एब्रीवेटेड कि आप क्या उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एब्रीवेट कर सकते हैं या नहीं जैसे कमांड प्रॉम्प्ट अगर हमने जाना हो विंडो से ग्राफिकल इंटरफेस से हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना हो तो देखें सी लिखते हैं बड़ी सिंपल सी कमांड है एब्रीवेटेड है कमांड प्रोम्प्ट के लिए और हम इसको जंप कर जाते हैं और कुछ एप्लीकेशन आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप उसको कस्टमाइज कर लें उसको रीनेम कर लें तो आपने भी इस इसको कंसिडर करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आर मेन्यू लेबल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विद इन द कॉन्टेक्स्ट क्या जो आपने मेन्यूज जिनको जो टाइटल दिए हैं जो टैग्स दिए हैं वो अपना खुद से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं बड़ी अगेन कॉमन एग्जाम्पल है कि जैसे फ़ाइल की एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर तो फाइल का मेन्यू जो है वो मैसेज कन्वे कर रहा है कि वट एवर इज़ रिलेटेड टू दैट डॉक्यूमेंट आर द फाइल वो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि नई फाइल ओपन करनी है क्लोज करनी है सेव करनी है तो ये काफ़ी मीनिंगफुल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसको अगर कंपेयर करें आपके फाइल uh, मेन्यू की बजाय आपका वहाँ पे टाइटल जो है लेबल जो है वो मेन्यू वन हो और मेन्यू टू और थ्री एंड सो ऑन तो मेन्यू वन से आपको कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रही कि ये किस किस आइटम किस फीचर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है तो मीनिंगफुल और सेल्फ एक्सप्लेटरी टाइटल्स होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आर सब मेन्यूज कंसिस्टेंट विद द फंक्शन इम्प्लाइड बाय अ मास्टर मेन्यू आइटम क्या जो मेन मेन्यू है उसके अंदर जो सब मेन्यूज गिवन है वो उसी से रिलेटेड है या ऐसा तो नहीं है कि आपने मिस्टेकनली जो है अनरिलेटेड जो फीचर्स हैं और सब मेन्यूज़ हैं उधर ऐड कर दिए हैं कि जैसे एडिट के मेन्यू है एडिट के मेन्यू के अंदर एडिट ही से रिलेटेड सब मेन्यूज़ होने चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर हमें इसको रिवाइज और रिफाइन करने की ज़रूरत होगी डिज़ाइन इशू के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट इशू uh, है वो है एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी और एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी से मुराद क्या है कि सिस्टम आपकी सब यूज़र्स के लिए ना सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए बल्कि यूजर्स हु स्पेशल नीड्स दे कैन आल्सो एक्सेस योर एप्लीकेशन और इसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे यूजर्स जो हैं वो नॉर्मल यूजर्स होंगे और डिफरेंट जो है स्पेशल नीड्स हो सकती हैं सम यूजर्स मे हैव लिमिटेशन रिलेटेड टू द विज़न सम मे है रिलेटेड टू द ऑडियो तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और अपने यूजर पॉपुलेशन को देखना है कि उसमें किस किस तरह के यूजर्स हो सकते हैं और स्पेशली जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो अब वेबसाइट के वाले से आप देखें तो कोई भी यूज़र जो है उसको एक्सेस कर सकता है तो इसी लिए आपको ज़्यादा केयरफुल होना होगा और फिर अगेन आ, ये लकली ये है कि गाइड गाइडलाइंस अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जब आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक इशू है वो है इंटरनेट इंटरन, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू है वो है इंटरनेशनलाइजेशन के आप अब हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है ग्लोबल इकॉनमी है और ग्लोबल मार्केट है तो आपका एक जो सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो मल्टीपल जगहों के ऊपर मल्टीपल मार्केट्स के लिए मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल लैंग्वेज के लिए जो है वो होना चाहिए या हो सकता है तो आपने उसको कैसे कैटर करना है इसको देखना ज़रूरी है और इसीलिए इसके लिए टर्म जो है ग्लोबलाइज सॉफ्टवेयर की भी यूज़ की जा सकती है जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि कलर का यूज़ जो है वो केयरफुल होना चाहिए डिफरेंट कल्चर्स के अंदर उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसी तरह से डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस हैं तो हमें वो सपोर्ट देनी होगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर और जब एप्लीकेशन जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हो या डिफरेंट जो मार्केट है उसकी प्रेफरेंसेस को सामने रख के और उसको चेंज किया जा सकता हो तो हम इस कंसेप्ट को लोकलाइजेशन भी कहते हैं कि हम लोकलाइज कर सकें एप्लीकेशन को और इसके अंदर भी डिफरेंट गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड जो है कॉमन स्टैंडर्ड है आपने ज़रूर इसको सुना होगा कि यूनिकोड स्टैंडर्ड है जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेज़ के जो मुख्तलिफ अल्फाबेट सेट्स हैं जो डिफरेंट करैक्टर करैक्टर्स हैं जो सिम्बल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है ताकि हम जब नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज हैं उनको कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज के अंदर तो हम हमारे पास इस तरह की लिमिटेशन ना हो कि जो किस तरह से हम उसको कोड करेंगे तो यूनी यूनी कोड स्टैंडर्ड जो है वो इसके अंदर हमें हेल्प आउट करता है अब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन इंटरफेस डिज़ाइन की हाल दो के जो जो अभी जितनी कुछ हमने डिस्कशन की है वो सारी एप्लीकेशन डजेंट मैटर कि वो स्टैंड लॉन एप्लीकेशन है या जो मल्टी यूजर्स जो है एप्लीकेशन है या वेब की एप्लीकेशन है वो सब पे एप्लीकेबल होते हैं लेकिन स्टिल जो वेब एप्लीकेशन है इस, इसकी जो नेचर है ये थोड़ी सी डिफरेंट है और इसको हमें थोड़ा सा और फर्दर देखना होगा कि ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है दूसरी एप्लीकेशन के साथ और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेयर एम आई हम कहाँ पे हैं इस वक्त मैं यूज़र कहाँ पे है यूज़र ने कौन से पेज को कौन सी साइट को एक्सेस किया है तो ये इंडिकेशन होनी चाहिए यूजर को पता होना चाहिए कि इस वक्त करेंटली वो कहाँ है और ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि जब आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो ये सपोर्ट उसमें होनी चाहिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट कैन आई डू नाउ आप किसी पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर जंप कर गए तो अब आपके यूजर को ये सपोर्ट वहां पे होनी चाहिए ये उसको मैसेज कन्वे होना चाहिए कि उसके पास क्या अवेलेबल ऑप्शन हैं, वो क्या कर सकता है तो ये अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है इसी तरह से तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेयर गोइंग इट मीन्स कि आप उसकी जो नेविगेशन है उसको सपोर्ट करें यूजर को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए कि किस पेज से किस सेक्शन से किस साइट से उसने जंप किया है किस पेज से दूसरे पेज पे आया है और अब इस पेज से नेक्स्ट वो किधर जाएगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो है इस नेविगेशन को ऐसे सपोर्ट किया जाता है कि आप नेविगेशन मैप प्रोवाइड करते हैं अक्सर वेबसाइट्स जो होती हैं उसके टॉप के ऊपर आपको एक हरकसी मिलती है जिसके अंदर आपको नजर आता है कि सपोज आपने होम पेज से जो एडमिशन के पेज के ऊपर या एडमिशन के सेक्शन के ऊपर और एडमिशन के सेक्शन के अंदर आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर इस पेज के ऊपर जंप किया है तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अब हम वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है कुछ प्रिंसिपल्स uh, या गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए जब हम वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर फर्स्ट वन है एंटीसिपेशन व्हाट डज एंटिसिपेशन मींस कि जो आपका यूज़र है आप उसको फैसिलिटेट करें उसको बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा Rather देन के यूज़र को खुद से एफर्ट करना पड़े कि उसने नेक्स्ट क्या करना है और कैसे करना है और इसकी एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको दी थी कि अगर यूज़र जो है वो किसी से uh, के प्रिंटर ड्राइवर को जो है वो सर्च करता है तो प्रिंटर ड्राइवर को सर्च करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो उसको डाउनलोड करना चाहता होगा तो आप यूज़र के सर्च करने के ऊपर जब उसको उस पेज पर लेके जाते हैं तो उसको एक विजिबल डाउनलोड का ऑप्शन भी होना चाहिए कि रादर देन के वो सर्च करे कि इसको कैसे डाउनलोड किया जाए आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटिसपेट करे कि उसने डाउनलोड करना है नेक्स्ट जो कंसिड्रेशन uh, है दैट इज़ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन मीन के वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना चाहिए यूज़र को कि करंट स्टेटस क्या जैसे अभी हमने पहले बात की पिछली स्लाइड के अंदर कि यूज़र को स्टेटस पता चलना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ है और तीसरी कंसिड्रेशन जो है दैट इज़ कंसिस्टेंसी कि जो भी आपके डिफरेंट पेजेस हैं वेब एप्लीकेशन के जो डिफरेंट स्क्रीनस हैं उसके ऊपर कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शंस के अंदर आपने जहाँ पे अंडरलाइन uh, किया है वर्ड्स को वहाँ पे तो वो हाइपरलिंक हो और कोई और पेज ओपन हो रहा और किसी और जगह पे आपने उसको अंडरलाइन किया है लेकिन आ, उसके साथ कोई हाइपरलिंक नहीं है कोई और पेज या कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो वेबसाइट को कंसिस्टेंट होना चाहिए फिर कंट्रोल अटोनमी होनी चाहिए वट डज इट मीन कि यूज़र के पास कंट्रोल होना चाहिए यूज़र ही को जो है ड्राइव uh, करना चाहिए लेकिन स्टिल जो डिफरेंट सेक्शंस या जहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक्स लगाने हैं जहाँ पे आपने मेक श्योर sure करना है कि आपका लीगल या ऑथोराइज यूज़र ही इसको एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पे आपने इसको मेक श्योर sure करना है कि यूज़र अननेसेसरी या अनऑथराइज यूज़र जो है उसको एक्सेस ना कर पाए इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑटोनि और इसी तरह से सिस्टम को आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसको

के जैसे यूज़र एक टास्क परफॉर्म कर रहा है और उस टास्क के ऊपर वो जाके कई मिडल में उसका माइंड चेंज हो गया है अब वो उसको किसी और टाइम के ऊपर कंप्लीट करना चाह रहा है तो जो टास्क उसने जितना जिस स्टेज तक परफॉर्म कर लिया है आपकी वेब एप्लीकेशन उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करे कि वो उसको सेव कर सके और फिर नेक्स्ट टाइम वो वहीं से उसको स्टार्ट कर सके और इसी तरह से वेब एप्लीकेशन को फोकस्ड होना चाहिए फोकस्ड मीन के जो एक टास्क किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है हो रहा है तो आपका आपका जो सिस्टम जो आपकी एप्लीकेशन है उस टाइम के ऊपर उसी टास्क के ऊपर फोकस करें रादर देन के मल्टीपल या इलेवेंट टास्क भी वहाँ पे पॉसिबल हो और फिर वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन के हवाले से और वैसे भी दूसरे सिस्टम्स के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट uh, है वो ये है कि आप जब एक जगह से एक टारगेट से एक ऑब्जेक्ट से मूव करते हैं दूसरे टारगेट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसके अंदर टाइम जो है कितना जो है आप स्पेंड uh, करते हैं कितना टाइम ये लेता है ये एक्शन आपका इसको इसको कम से कम होना चाहिए और इसको मैयर कर सकते हैं फिट्स ला जो है ये बहुत Uh, पहले एक प्रपोज किया गया इन अर्ली फिफ्टीज और मिड फिफ्टीज और ये हमें अब जो है सिस्टम्स और वेब एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी हेल्प करता है कि आप एक ऑब्जेक्ट से वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है जो स्क्रीन के ऊपर है उससे आपने मूव करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये जो डिस्टेंस है और उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये हमें बताता है कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा तो ये टाइम जो है ये कम से कम होना चाहिए यूजर को फैसिलिटेट करें कि उसकी जो उसकी जो इंटरेक्शन का जो सीक्वेंस है जो फ्लो है वो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो इसी तरह से ह्यूमन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि जो इंटरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वैसे ही होने चाहिए जो कि रियल लाइफ के अंदर आपके होते आपको कोशिश करनी है जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको एग्जांपल दी के कि अगर किड्स की एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन तो उसके इंटरफेस अगर स्टोरी बुक है स्टोरी आप बच्चे को उस पर दिखा रहे हैं सुना रहे हैं तो उसका उसका जो लेआउट है वो भी स्टोरी बुक की तरह का होना चाहिए और इसके अंदर एक और चीज़ जो है लिटेंसी रिडक्शन व्हाट डज़ इट मीन के वो जो रिस्पांस टाइम है जो कितना आपको इंतज़ार करना पड़ता है किसी एक स्पेसिफिक एक्शन जब आप उस परफॉर्म करते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो कितना टाइम लेता है और ये टाइम जो है इसको कम से कम होना चाहिए लट से कि आप एक इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं और वो इमेज जो है वो साइज में बड़ा है तो डेफिनेटली ये टाइम लेगा लेकिन इसके साथ साथ आपका सिस्टम बिल्कुल हैंग नहीं हो जाना चाहिए आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करना चाहिए कि इमेज भी डाउनलोड कर रहा है और आप कुछ और भी कर सकते हैं ऐसा ना हो कि सिस्टम जो है वो सिर्फ इमेज को डाउनलोड करने दे और डाउनलोड uh, करे और बाकी कोई एक्शन उस परफॉर्म ना हो सकता हो तो ये यूजर को फ्रस्ट्रेट करेगा या इसी तरह से कोई और टास्क हो रहा है तो आप उसको उसकी uh, जो विजुअल प्रेजेंटेशन कि अच्छा जी अभी 50 परसेंट कम्प्लीट हो गया अभी 60 परसेंट कम्प्लीट हो गया तो ये इसको यूजर को ज्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है एज़ कंपेयर टू कि आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दें और उसका वो जो वेटिंग टाइम है वो उसको फ्रस्ट्रेट करेगा इसी तरह से लर्नेबिलिटी uh, है और लर्नेबिलिटी भी हर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और लर्नेबिलिटी uh, जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूजिबिलिटी का जितना सिस्टम जो है वो इजी टू लर्न होगा उतनी ही उस सिस्टम की यूजिबिलिटी बढ़ेगी वेब्लिकेश वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ये हंड्रेड परसेंट सही है मेटाफोर्स की बात हो रही है कि मेटाफोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को उसी तरह से कोशिश करनी चाहिए प्रेजेंट करने की ऑल द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन स्टिल अक्सर ऐसे हो सकता है और फिर मेंटेन वर्क प्रोडक्ट इंटेग्रिटी वट डज इट मीन के आपकी जो वेब एप्लीकेशन है जो सिस्टम है वो जिस स्पेसिफिक टास्क uh, के लिए जिस इन्वायरमेंट के लिए जिस एक स्पेसिफिक वर्क फ्लो के लिए बनाया गया है वो उसको उसी तरह से परफॉर्म करें एज कम्पेयर टू के उसके अंदर कोई एबनॉर्मल जो है वो बिहेवियर हो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि उस पूरे वर्क फ्लो को वर्क प्रोसेस को वो सपोर्ट करें रिडिबिलिटी की बात करते हैं और रिडिबिलिटी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके जो भी स्क्रीनज हैं उसके ऊपर वेब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी कंटेंट्स हैं वो रीडेबल होने चाहिए और फिर उसके बाद आप सिस्टम की जो स्टेट है जो वेब एप्लीकेशन है उसकी जो स्टेट है उसको भी ट्रैक कर सकें इस वक्त आप कहाँ पे हैं और किधर मूव कर रहे हैं ये जानना बहुत तो ज़रूरी है इसी तरह से जो आपकी नेविगेशन है ना सिर्फ ये कि आप उस स्टेट को ट्रैक कर रहे हो बल्कि उसके साथ साथ आप उसको बता भी रहे हो विजिबल हो कि नेविगेशन कहाँ से आप आए हैं किधर इस वक्त स्टैंड करते हैं और किस कहाँ आप मूव कर सकते हैं डिफरेंट गाइडलाइंस हैं वेब एप्लीकेशन के हवाले से भी और जहां पे हम निल्सन एंड वैगनर की गाइडलाइंस हैं जो कि उन्होंने 1996 में प्रपोज की फॉर वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इनको हम ब्रीफली देखते हैं और डेफिनेटली ये भी आपको वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन में हेल्प आउट करेंगी पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि रीडिंग स्पीड ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर इज अबाउट 25 परसेंट स्लोर सो यू हैव टू हैव लिटल टैक्सट वेन यू आर डिजाइनिंग द वेब एप्लीकेशन जो नेचुरल हमारी रीडिंग एक फिजिकल जो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने की जो रीडिंग आ, हमारी कैपेबलिटी है जो स्पीड है उसके मुकाबले में ट्वेंटी फाइव परसेंट कम है हमारी स्क्रीन के ऊपर रीडिंग तो जब आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो टेक्स्ट तो उसके ऊपर कम होना चाहिए इसी तरह से सेकेंड uh, जो गाइडलाइन है दैट इज़ अवॉइड अंडर कंस्ट्रक्शन साइंस के ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता यूज़र को कि जब आप वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें और उस पेज के ऊपर राधा दन के कोई इंफॉर्मेशन हो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बजाय आप उसको सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन का मैसेज या साइन डिस्प्ले कर दें तो इसको अवॉइड करना चाहिए अगर कोई पेज है जिसके ऊपर आपके कॉन्टेंट्स नहीं है तो उसका उसका लिंक ही नहीं होना चाहिए थर्ड गाइडलाइन इज़ यूजर्स प्रेफर नॉट टू स्क्रोल यूजर्स जो है इसको अवॉइड करते हैं ज़्यादा लंबी छोड़ी डिटेल्स को नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोशिश करनी चाहिए कि एक ही स्क्रीन जो विंडो साइज़ है उसी साइज़ के मुताबिक होनी चाहिए और उसी के अंदर वो कमोडेट होनी चाहिए और स्क्रोल बार्स को और स्क्रोल को अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट गाइडलाइन है कि नेविगेशन मैन्यूज़ एंड हेड बार्स शुड बी डिज़ाइन कंसिस्टेंटली आपके नेविगेशन मैन्यूज़ या जो आपके टाइटल्स हैं जो की सेक्शंस हैं वो आपको कंसिस्टेंटली डिस्प्ले करने चाहिए ऐसा ना हो कि किसी एक पेज के ऊपर आपकी वो नेविगेशन डिस्प्ले हो रही है जो भी आपके की हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं और किसी और पेज के ऊपर नहीं हो रही तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि वेब एप्लीकेशंस में आप डिस्प्ले uh, कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर फॉर ऑल द पेजेस ऑफ दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन और एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है कि एस्थेटिक्स शुड नेवर सुपरसीड फंक्शनैलिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने स्टार्ट में बात की थी यूजफुल एप्लीकेशन की तो यूजफुल एप्लीकेशन जो है विच फुलफिल्स द बेसिक फंक्शनैलिटी द कोर फंक्शनैलिटी दैट इज पोज टू बी तो अब अगर आप बहुत अच्छा इंटरफेस बना लेते हैं बड़ा अपीलिंग है बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन अगर वो बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये कोई अच्छा अच्छी एप्लीकेशन नहीं है तो उसको कभी भी एस्थेटिक को सुपरसीड नहीं करना चाहिए फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक और जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है दैट इज़ नेविगेशन ऑप्शंस शुड बी ऑबियस यूजर को फैसिलिटेट करना है फॉर नेविगेशन ऐसा ना हो कि उसकी नेविगेशन के लिए उसको एफर्ड करनी पड़े तो उसके नेविगेशन के ऑप्शन जो है वो विजिबल होने चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए अब हम ब्रीफली बात करते हैं डिजाइन एवेलुएशन की और कि जब आपने डिज़ाइन किया उसको कैसे अवेलुएट किया जा सकता है और हमारे पास यहाँ पे फोर की गाइडलाइंस हैं द फर्स्ट वन इज द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट मॉडल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम एंड इट इट्स इंटरफेस प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड बाईर ऑफ द सिस्टम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन है जो रिक्वायरमेंट्स मॉडल हैं वो बताते हैं कि आपके यूजर को कितनी जो है ना एफर्ड करनी पड़ेगी टू लर्न द सिस्टम और इससे आप इसको अवेलुएट कर सकते हैं Second इज द नंबर ऑफ यूजर टास्क specified एंड द एवरेज नंबर ऑफ actions पर टास्क प्रोवाइड an इंडिकेशन ऑफ interaction टाइम एंड ओवरऑल efficiency ऑफ द सिस्टम अब ये दूसरी बात है कि यूजर टास्क उसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं क्या अल्टरनेट्स हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो कितना जो है उस पर इंट्रैक्शन टाइम लेगा किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है यूज़र की वो क्या होगी ये गाइडलाइंस हैं जो कि आप आप जिसकी बेस के ऊपर आप अपने डिज़ाइन को वैल्यूएट कर सकते हैं थर्ड वन देखें द नंबर ऑफ एक्शंस टास्क एंड सिस्टम स्टेट्स इंडिकेटेड बाय द डिज़ाइन मॉडल इम्प्लाय द मेमरी लोड आर यूजर्स ऑफ द सिस्टम जो डिफरेंट एक्शंस और टास्क जो है आपने डिजाइन मॉडल के अंदर बताए हैं डिफाइन किए हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू एस्टिमेट द मेमोरी लोड ऑफ द यूजर और फोर्थ वन इंटरफेस स्टाइल हेल्प फैसिलिटीज एंड एरर हैंडलिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड ए जर्नल इंडिकेशन ऑफ द कंप्लेक्सिटी ऑफ द इंटरफेस एंड द डिग्री टू विच इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द यूजर के जो भी डिफरेंट आपके इंटरेक्शन के स्टाइल हैं जो इंटरफेस डिफरेंट यूज़र्स को आपने सपोर्ट किया है क्या आपकी हेल्प फैसिलिटीज हैं यूज़र को कैसे हेल्प आउट करना है आपने और क्या डिफरेंट आपके जो है ना एरर हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स हैं कैसे एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपका इंटरफेस जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा और किस हद हाँ तक यूज़र को एक्सेप्टेड होगा आज के लेक्चर को समराइज करते हैं सबसे पहले आज हमने इंटरफेस एनालिसिस की बात की उसके अंदर हमने सबसे पहले यूजर एनालिसिस को देखा एंड वी डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड देयर प्रेफरेंसेस। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रेफरेंसेस। देन वी डिस्कस टास्क एनालिसिस व्हाट आर द की टास्क इन दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वट आर दब टास्क एंड वट आर द आल्टर ये सारे हमें अंडरस्टैंड करना होता है और फिर उसके बाद हमने कहा कि डिस्प्ले कॉन्टेंट का एनालिसिस करते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कैसे चाहिए और वर्क इन्वामेंट जो है वो किस तरह का है उसके क्या अपने फैक्टर्स हैं इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है एंड दैट आल एक्टिविटीज़ आर अंडर दल ऑफ़ इंटरफेस एनालिसिस फिर उसके बाद हमने इंटरफेस डिज़ाइन के स्टेप्स को ब्रीफली डिस्कस किया फिर हमने उसके अंदर डिज़ाइन इश्यूज को डिस्कस किया कि सिस्टम रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए हेर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए और भी जो डिफरेंट ऑप्शन जो इश्यूज हैं एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी के और लोकलाइजेशन की हमने उसको डिस्कस किया उसके बाद हमने बात की वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन इंटरफेस गाइडलाइंस की और हमने कहा कि वेब एप्लीकेशन जो हैं सम हाउ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशनस और इसके अंदर हमने एंटिसपेशन कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी कंट्रोल अटानमी और ये सारे जो डिफरेंट डिज़ाइन जो गाइडलाइंस थी इसको हमने डिस्कस किया और आखिर में हमने ब्रीफली बात की कि कैसे हम जो डिज़ाइन है उसको वैलुएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज आर एक्टिविटीज दैट वी प्रीवियसली डिस्कस्ड इनशाला अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़